मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट बॉयकॉट दिस फिल्म जस्ट बिकॉज इट इज़ धर्मा प्रोडक्शंस मूवी। धर्मा प्रोडक्शंस भी कुछ अच्छी फिल्म बनाता है, ऐसी बात नहीं है। ये फिल्म उनमें से है जो पार्टन देगी। शिवा कैसे लगे? मुझे ठीक ठीक लगी, ओके ओके लगी, मतलब बहुत अच्छी नहीं लगी, बट हाँ GFX एंड ऑल इज़ नाइस, अच्छा है, बॉलीवुड कुछ नया ट्राई कर रहा है एंड दैट इज़ गुड। मूवी को क्या रेटिंग देना चाहिए? मूवी को मौनी रॉय की एक्टिंग, रणबीर आलिया के फैंस के लिए जो साथ में जोड़ी लेकर के आई है उस चीज़ को मिला करके, अमिताभ बच्चन जी की एक्टिंग और साउथ स्टार नागार्जुन की एक्टिंग सबको देख करके और थोड़ा बहुत GFX देख करके 3.5 दे सकते हैं। वन टाइम वॉच है यार, जाकर के देख लो एक बारी। मूवी को पब्लिक जो है बॉयकॉट करने की बात कर रही थी, तो आपके क्या ख्याल है उसको लेकर? यार देखो, जो लोग बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे उनका एक अलग ही एजेंडा है और मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अगर कोई आर्टिस्ट अच्छा काम लेकर के आ रहा है और अच्छा काम है तो आपको देखना चाहिए। तो भाई मैं तो यही बोलूँगी कि देख लो जाकर के एक बारी, बिना देखे बॉयकॉट करना मतलब आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बहुत सारे लोग लगते हैं, बहुत सारे मूवी में बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं लोगों के, तो आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छी मूवी यू कैन वॉच। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन देगी। शिवा कैसी लगी? बहुत ज़बरदस्त फिल्म है भाई, और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट बॉयकॉट दिस फिल्म जस्ट बिकॉज इट इज़ धर्मा प्रोडक्शंस मूवी। धर्मा प्रोडक्शंस भी कुछ अच्छी फिल्में बनाता है, ऐसी बात नहीं है। ये फिल्म उनमें से है जो उसने अच्छी प्रोड्यूस की है, सो आई रियली लव द मूवी। मूवी में अगर बात करें BFX की तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, उसे आप कैसे देखते हैं? इसे मैं ऐसे देखता हूँ यार कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि एवेंजर्स है, ये है, वो है, बट मैं ऐसा नहीं मानता। बहुत अलग है, एवेंजर्स जैसा भी कुछ नहीं है, बट मूवी का अपना ही एक ऑरा है यार, अपना ही एक स्टाइल है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं लगती हमें, बिल्कुल नया फ्रेश सीन्स लगते हैं, विच इज़ वेरी अमेजिंग। मैं VFX बहुत ज़बरदस्त। इस बार ये बोला जा सकता है कि बॉलीवुड ने कुछ हटकर बनाया है? डेफिनेटली बहुत हटकर बनाया है। इससे पहले हटकर जो बनाया था वो रावण बनाई थी, आई गेस शाहरुख खान ने जो बनाई थी वो ज़्यादा चल नहीं पाई थी, बट ये चलनी चाहिए क्योंकि ये बहुत नेक्स्ट लेवल है और बहुत अच्छा है। मूवी को क्या रेटिंग देना चाहिए? मैं 5 में से 5 स्टार दूंगा यार, मुझे बढ़िया लगी। पार्ट वन देगी। शिवा कैसे लगी? मेरे को काफ़ी अच्छी मूवी लगी, इसका VFX बड़ा प्यारा था और इसका कॉन्सेप्ट लाइन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्लियर था, समझ में भी आया, ओवरऑल अच्छी लगी। फिल्म में अगर बात करें तो VFX की काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल है, नेक्स्ट लेवल है, उसे कैसे देखते हैं? VFX इनमें मैं कहूँगा कि अभी तक का ऑल टाइम बेस्ट इंडिया का अभी जो VFX देखने को मिला मूवी के अंदर, मेरे को इसी में मिला, क्योंकि इसमें VFX में आजकल क्या होता है कि कुछ भी डाल देते हैं, बट इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट को बेस लेके VFX को उसमें पुट किया है, तो वो चीज़ मेरे को एकदम अच्छी लगी। मूवी को क्या रेटिंग देना चाहिए? 5.5। काफ़ी अच्छी मूवी लगी मेरे को और VFX बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं लग रहा था आपकी बॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, एंड आई थिंक द ऑडियंस विल बी एबल टू रिलेट टू इट, ऑल द काइंड्स ऑफ ऑडियंस। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की एक्टिंग कैसी लगी? अच्छी थी, काफ़ी अच्छी एक्टिंग लगी दोनों की। फिल्म को क्या रेटिंग देना चाहिए? 4.5।